अनुराग कश्यप, शकलका बूम बूम के राइटर। तुझे क्या लगता है कि बॉलीवुड माफिया के साथ इस तरह की फिल्में तू मेरे लिए बनाएगा और मुझे इंडस्ट्री से बाहर कर देगा? याद रखना, ये समय का पहिया है, ये पलटता जरूर है। इसलिए जब तुम लोग मेरे पास सांड की आंख लेकर आए, तब मुझे समझ आया कि भले ही कोई टाइम मैगजीन में फीचर हो जाए या अवार्ड विनिंग डायरेक्टर कहलाए, उसे सिनेमा की सेंस नहीं होती, क्योंकि मीनिंगलेस फिल्म है ना, उसमें सांड है ना आंख है। मुझे लगा कि डिस्कवरी चैनल की कोई डॉक्यूमेंट्री है नाम से, और नाम से लग रहा है कि एनिमल क्रूएल्टी पे ये फिल्म बनी है, और मैं एनिमल लवर हूँ, गोरक्षक हूँ। मैंने तो अपनी फिल्म में घोड़ा तक इस्तेमाल नहीं किया, असली नकली घोड़े पर मैंने पूरी फिल्म शूट की। और जो है, ये फिल्म रेलिवेंट भी नहीं है। जब गाय पे बात होनी चाहिए, आप लोग सांड पे फिल्म बना रहे हैं, तो मैं नेशनल अवार्ड से ये गुजारिश करती हूँ कि मेरा जो लकड़ी का घोड़ा है, उसको एटलीस्ट बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे इन सभी लोगों से ज़्यादा सपोर्ट किया है, लिटरली। और मुझे कहते हैं एक बुढ़िया का रोल आपको प्ले करना है, क्यों करूँ मैं बुढ़िया का रोल प्ले? मैंने कहा मैं जवान का रोल प्ले करूँगी, क्योंकि उस समय मुझे याद आए वो सरहद पे खड़े जवान, और उनका दर्द मुझे फील हुआ। इसलिए मैं आप लोगों से कह देना चाहती हूँ कि मैं अब एक एक की वाट लगाऊंगी और सबको एक्सपोज करूंगी, और मैं एक राजपूतानी हूँ। अनुराग कश्यप, मैं तुमसे आज कह देना चाहती हूँ कि तुम्हारा हर फ्राइडे मैं ब्लैक फ्राइडे बना दूंगी। और सोनू सूद, आप भी सुन लो कि आपका लॉकडाउन में बस चलती होगी आपकी, मेरे आगे आपका कोई बस नहीं चलने वाला है। मणिकर्णिका के को लेकर मेरे खिलाफ जो आप लोगों ने बातें फैलाई, क्यों नहीं निकालूं मैं क्रिश को? उसको लगा कि इस नाम के साथ वो मुझे डायरेक्ट कर लेगा। पहली बात तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मुझे डायरेक्ट करे, इसलिए मैंने कहा ये फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करूं। इसलिए मैंने क्रैक कर लिया है कि एक अच्छी फिल्म कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो ऐसे टॉपिक चूज करें कि अगर ऑडियंस फिल्म ना देखे तो आप उन्हें ही गिल्ट में डाल पाएं, कि अगर आपने झांसी की रानी पर फिल्म नहीं देखी तो आप फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट हैं। अगर आप मेरी अयोध्या पे बनी हुई फिल्म नहीं देखेंगे तो आप प्रभु श्री राम का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप जो है कश्मीर पर बनी मेरी फिल्म को क्रिटिसाइज करेंगे, तो आप मतलब पाकिस्तान के एजेंट हैं। फिर आप साउथ इंडिया से डायरेक्टर्स, राइटर्स, इस तरह के अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लाएं, जो डायरेक्टर हों, अवार्ड विनिंग हों, जो राइटर हों, बजरंगी भाईजान लिखी हो उन्होंने या बाहुबली लिखी हो तो और अच्छा। उसके बाद जब 90% फिल्म बन जाए तो आप उनको बाहर कर दें और आप अपने हाथ में फिल्म की कमान ले लें। यही मैंने कहा था कि मैं सांड की आंख को डायरेक्ट ही करूंगी, तब इन्होंने पता नहीं क्यों मुझे मना कर दिया और किसी बी ग्रेड एक्ट्रेस को उसमें ले लिया। खैर, ये लोग जलते हैं कि मुझे वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है। एक लड़की जो अपने एक्स की सताई हुई है, उसे अगर वाई सिक्योरिटी मिल जाती है तो इसमें इन लोगों को क्या दिक्कत होती है, मुझे समझ नहीं आता। और ये लोग कहते हैं कंगना की पॉलिटिक्स खराब है। मेरी पॉलिटिक्स नहीं खराब है, अगर मैं कहती हूँ कि मुंबई पीओके है तो मेरी ज्योग्राफी खराब है। और संजय रावत, जब नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि उनको देश में रहने में डर लगता है, तब तुमने उन्हें हरामखोर नहीं कहा? जब आमिर खान ने कहा कि उनकी पत्नी कहती है उन्हें देश में रहने में डर लगता है, तब उन्हें हरामखोर नहीं कहा? यहाँ तक कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तो हरामखोर नाम की फिल्म तक बना ली, तुमने उन्हें हरामखोर भी नहीं कहा और अपनी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में ठाकरे में साइन भी कर लिया। तब अब कहाँ गया आपका पेट्रियार्की वाला रोना कि रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर फलाना? तो मैं आप लोगों से कह देना चाहती हूँ कि मैं आप सबको एक्सपोज करूंगी और एक एक की अब मैं बात लगा दूंगी, तुम्हारी भी, बीएमसी, एमसीपीसी, जो भी हो तुम, जिन्होंने मेरा घर तोड़ा है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। वंदे मातरम साथियों।